नमस्कार दोस्तों, ये मेरे खुद के फार्म का वीडियो है। यहाँ पे उस टाइम जब कपास बोई थी उस टाइम का वीडियो है। अभी तो इसमें कपास हमने निकाल दी है और कपास का स्टोर कर लिया है। अभी कितनी कपास हुई है मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोगों ने दी नहीं है वहाँ की कपास। उसके बाद में दोस्तों ये पिछले साल का वीडियो मैंने बनाया था वहीं पर जब हमने ज़मीन ली थी वहाँ पर। तो उस टाइम ये चने की कुछ थोड़ी सी आधा बीघा में डाल के देखा था कि चने की फसल वहाँ पे कैसी होती है। तो ये आप देख सकते हैं चना वहाँ पे आधा बीघा में ठीक हो गया था, लगभग 2 क्विंटल हो गया था। और उस साइड में वो जो साइड में दिख रही है वो आपको सरसों थी, वहाँ पे सरसों की भी वहाँ पे 2 क्विंटल की लगभग औसत आई थी उस टाइम में। तो फसल वहाँ पर हल्की इसलिए बैठती है दोस्तों कि एक तो वहाँ पर DAP यूरिया जितना हम लोग हरियाणा पंजाब में देते इतना वहाँ पर नहीं देते लोग। दूसरा वहाँ पे जो खाद गाय का भैंस का जो गोबर वाला खाद है वो भी वहाँ खेतों को कभी मिला नहीं है, तो उस वजह से वहाँ पे फसल थोड़ी हल्की बैठती है। अगर वो खाद मिलने लग जाए उनको या DAP यूरिया प्रॉपर मात्रा में मिलने लग जाए तो वहाँ की फसल भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट वहाँ पे हो सकता है। तो अगर वहाँ पर आप ज़मीन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये खर्चा ज़रूर करना पड़ेगा खाद के लिए। ऑर्गेनिक खाद हो चाहे वो रासायनिक खाद हो, उनके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। अब दोस्तों वहाँ पे जो ये चना और सरसों है ये इतनी अच्छी तो नहीं हो रही है कि भाई आप वहाँ पे सोचो कि मैं ज़मीन लेके वहाँ पे और ज़मीन से इतना पैसा आ जाएगा, तो वैसा ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ज़मीन सस्ती है तो वहाँ पे फसल भी बिल्कुल कमज़ोर होती है। लेकिन आप मेहनत करोगे तो दोस्तों कर सकते हो, और बागवानी एक वहाँ पे कर सकते हो आप बागवानी। ये पिछले साल की मूंगफली है और अभी साल की मूंगफली की मैं कुछ वीडियो मैंने डाली है, आप मेरे इसमें चैनल पे देख सकते हो। इस बार मूंगफली बहुत अच्छी, देखो इसमें पिछले साल पूरी ज़मीन दिख रही थी जबकि इस बार हमारे खेत में कहीं भी ज़मीन भी नहीं दिख रही थी, इतनी गहरी मूँगफली थी, ट्रैक्टर से ईजिली निकल भी नहीं रही थी। तो ये वाला पिछले साल का वीडियो है। तो वही बात है कि आप केयर कितना कर रहे हो और आप खर्चा कितना कर रहे हो उसी पे डिपेंड होता है कि आपका जो फसल है वो कैसी बैठ रही है। तो सब टाइप की वहाँ पे वो रहती है, ज़मीन हल्की भी है, मीडियम भी है और एवरेज भी है। वो आप वहाँ पे जाएंगे देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। आपको घूमना पड़ेगा वहाँ पे, टाइम देना पड़ेगा, और जो भी फसल वहाँ पे खेत में लगा रखी होगी या आसपास में कहीं होगी तो जब आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ पे ऐसी फसल होती है। तो मेरा तो यही कहना है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहो कि आपको ज़मीन अभी ले दी और उसके बाद में लंबे समय तक उसके रेट में वहाँ पे काफ़ी इजाफा होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे रेट और एरिया को देखते हुए अभी काफ़ी कम है, तो धीरे धीरे ये रेट बढ़ेंगे। बाकी वहाँ पर फसल में इतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा कि भाई आप 25 बीघा ज़मीन लो तो वहाँ पर सालाना 10-15 लाख रुपये की फसल हो जाए, इतना वहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इतना होगा तो वो फिर आपको 1 लाख रुपए में नहीं मिलेगी। इतना होने वाली वो जो ज़मीन है वो आपको लगभग 3 लाख रुपए पर बीघा में मिलेगी, वैसी ज़मीन भी उस एरिया में है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।